जानते हैं क्लास टेंथ का न्यू बुक आ गए हैं, जैसे कि चैप्टर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं। देखिए, इसमें वन कैरेक्टर का क्रॉस होता है, हमेशा याद रखिएगा, वन कैरेक्टर का क्रॉस होता है। और ये कैपिटल टी इसको हम डोमिनेंट मान लिए, स्मॉल टी ये रिसेसिव हो गए, ठीक है। और इसी में हमें क्रॉस कराना है जिसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट रेसेसिव किसको कहते हैं जान लेते हैं। देखिए, रेसेसिव का मतलब एक तरह से समझिए जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि आत्मा का मतलब रेसेसिव, ठीक है, आत्मा दिखाई नहीं देते। और वही आत्मा अगर किसी के बॉडी में घुस जाए तो वो काम करने लगता है जो कभी किया ही नहीं हो, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं डोमिनेंट, जो डोमिनेंट शो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम आम आदमी की तरह भी हैं, अभी हमारे अंदर आत्मा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो हम वो हरकत करने लगेंगे जो कभी नहीं किया करते थे, और लोगों को भी लगने लगेगा कि इसको क्या हो गया, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा ताकत वगैरह दिखा दो, दीवार वगैरह तोड़ तार दो, आत्मा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आत्मा का मतलब परमात्मा, तो लोग भाई परमात्मा आ गए, तो परमात्मा आने का मतलब है कि लोगों के सामने वो दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, ठीक है। तो आत्मा का मतलब रेसेसिव और परमात्मा का मतलब डोमिनेंट, जो दिखाई देते हैं और ये दिखाई देते ही नहीं है, ठीक है। तो हम पेरेंट्स ले लिए। अब देख लीजिए हमें इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करना है फर्स्ट जनरेशन किसको कहते हैं। देख लीजिए, आप इसको अलग कर दीजिए, कैपिटल टी, इसको भी अलग कर दीजिए, स्मॉल टी, ठीक है। अब देख लीजिए, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाइए तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी को आपको कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ आपको दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, ठीक है। अब चलिए सेकंड वाले चलते हैं। अब इसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी से तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक है। और इसको हम फिर क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी को स्मॉल टी से तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक है। आपको ये दिखाई दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो मेरा F1 ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है डियर, कि इसमें टॉल प्लांट्स, ये सारे टॉल प्लांट्स हैं। अब ये कैसे, तो देख लीजिए, ये कैपिटल टी का मतलब टॉल ही हो गया, कैपिटल टी पहले आया तो समझिए कि ये टॉल हो गया, ठीक है। और ये चारों के चारों टॉल प्लांट्स होंगे, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं सेल्फ पोलिनेशन फाइंड करते हैं। देखिए, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है F1 into F1, इसी को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अब इन चारों में से किसी एक कैरेक्टर को आप लीजिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। F1 के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन फिर एक और F1 है, ठीक है, तो इनटू में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ही होता है F1 into F1। अब देख लीजिए इसमें हम लोग क्रॉस कैसे करवाते हैं। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, ये कैपिटल टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया। इसको भी आप अलग अलग कर दीजिए, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाले बातें हैं, अब देखना ये सब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब यहाँ तक आ जाएगा, उसमें देखो नहीं आ रहा, आ जाएगा। अब देख लीजिए डियर, इसमें अब इस कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाइए, क्या आएगा, कैपिटल टी, क्लियर। अब देख लीजिए, इसी कैपिटल टी को आप इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाइए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, क्लियर। अब देख लीजिए, इस वाले स्मॉल टी को आप कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाइए, याद रखिएगा मैंने कहा था ना, ये हिडन हो जाते हैं, ये छिप जाते हैं, दिखाई तो मुझे यही देंगे, तो ऐसा नहीं कि पहले स्मॉल टी लिखेंगे फिर कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बताया हूं, आत्मा कहाँ है, इसके अंदर है, ठीक है, कैपिटल टी ही आपको पहले लिखने होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर ये स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाइएगा तो स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, तो F1 जनरेशन आपका ये आ गया, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन आपका ये आ गया, देख लीजिए ये सेल्फ पोलिनेशन। अब हम लोग इसमें सीखना है क्या, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन हम लोगों ने सीख लिया जिसमें ऑल टॉल प्लांट्स हैं। अब हम लोग सीख लिए सेल्फ पोलिनेशन में हमारे ये आ रहे हैं, ये चार चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये हम लोग भी सीख लिए। अब हम लोगों को सीखना है फेनोटाइपिक रेशियो किसको कहते हैं, जेनोटाइपिक रेशियो किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, फेनोटाइपिक रेशियो, फेनो
टाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब हो गया, फेनोटाइपिक रेशियो अब इसका करते हैं, देख लीजिए, फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब ये हो गया कि एक होगा टॉल और शॉर्ट, रेशियो करना है ना आपको। फेनोटाइपिक रेशियो में आपको प्लांट या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो टॉल प्लांट कितने हो रहे हैं भाई, तो देख लीजिए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये हमारा शॉर्ट है, ठीक है। तो हम एक दो तीन, तो थ्री इज टू शॉर्ट कितने हैं, वन, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फेनोटाइपिक रेशियो। अब समझते हैं हम लोग जेनोटाइपिक रेशियो किसको कहते हैं, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है कि हमें टॉल और शॉर्ट नहीं लेना होगा, हमें लेटर को लेना होगा कि लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास लेटर तीन तरह के हैं, ध्यान दीजिए, एक तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, और ये देख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये दोनों एक ही जाति के हैं और ये अकेला है बेचारा, ठीक है, और ये अलग ही है, ठीक है। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब हो जाएगा तीन तरह के हैं, कैपिटल टी रेशियो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए कैपिटल टी कितने हैं, एक है, तो वन इज टू स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में दो चीजें आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे दो इज टू, और स्मॉल टी टी तो एक ही है, तो एक। तो दीज आर कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब टॉल और शॉर्ट। देखिए तीन और एक चार हो गए, तो हम इस तरीके से चार प्लांट बनाते हैं, ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, ये तीसरा प्लांट हो गया, और ये हो गया चौथा प्लांट। अगर हम इन चारों प्लांट को, मान लीजिए चार प्लांट है, तो हम आपको क्या कहेंगे, या तो इसमें टॉल कौन है और शॉर्ट कौन है, तो डेफिनेटली कोई भी आदमी कहेगा कि ये तीन टॉल है और ये एक शॉर्ट है, तो तीन टॉल एक शॉर्ट, ठीक है। अब देख लीजिए जेनोटाइपिक रेशियो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसमें एक एक लंबा है जो काफ़ी लंबा है, ठीक है, और दो इससे थोड़ा थोड़ा छोटा है, ठीक है, और ये एक वन सबसे छोटा है प्लांट, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें अगर कोई आदमी कहे कि सबसे लंबा कौन सा है, तो ये एक ही है लंबा है, तो ये एक हो गए, ठीक है। अगर आपसे कोई दूसरा कहे कि बताइए वो कौन है जो ना ही लंबा है और ना ही छोटा है, तो ये दो प्लांट है, तो दो। और कोई कहे कि सबसे छोटा, इन चारों में से सबसे छोटा प्लांट कौन सा है, तो ये नीचे वाला है छोटा, तो वन, ठीक है। तो ये हम समझाने के लिए तरीका समझे हैं कि आखिर बच्चे कैसे समझेंगे फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो, तो ये मैं अपने तरीके से समझाया हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बताइए फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 3:1, ये याद भी हो जाते हैं बच्चों को, ये याद भी आप कर सकते हैं, एक नंबर में आपके लिए सही होगा। आपसे पूछ सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जेनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे, तो 1:2:1, ठीक है, और इसमें प्लांट किस तरीके होंगे, तो ये सबसे टॉल प्लांट होगा, ये दोनों मॉडरेट होंगे, और फिर ये सबसे शॉर्ट प्लांट होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे।